जो भी प्रवक्ता हैं या मीडिया है इन सब का रोल ही विपक्ष के साथ होता है ऐसा नहीं है कि सरकार आ, सरकार के साथ ताल में ताल मिलाना तो सबका काम है वो लोग तो मौका प्रस्त लोग होते हैं अदरवाइज नहीं तो पढ़ा लिखा समाज जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसका फर्ज बनता है कि सरकार की आलोचना करे सरकार की कमियों को गिनाए ताकि सरकार सही तरीके से चले जैसे कि कहते हैं ना निंदक नियरे राखी आंगन कुटीर छवाए तो इसका मतलब क्या ये पहले के जो हमारे कवि हैं उन लोगों ने बहुत बड़ी बातें कही है कोई ऐसे वैसे नहीं कहा उन्होंने कि हम सरकार की आलोचना करने की बजाय उसके लय में लय मिलाने लग जाएंगे तो सरकार अच्छा काम कैसे करेगी और रही बात जैसा कि अभी पांच दिन पहले अभी एक इंटरव्यू का दौर देखा हमने जिसमें कह रहे हैं कि विपक्ष को तो मैं चाहता हूं बहुत अच्छा कर दूं और उसी के बाद अभी कल परसों का बयान आता है उसमें हम विपक्ष को मुजरा से जोड़ देते हैं यानी कि विपक्ष का मुजरा कराने का मतलब हमने बचपन में पढ़ा है कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या होती है है ना लोकतंत्र की सफलता में विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है तो एक तरफ हम बच्चों को ये चीजें पढ़ाते हैं कि विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है और दूसरी तरफ हम खुद विपक्ष से मुजरा करवाने की बात करने लगते हैं उन कलाकारों का जो मुजरा कर रहे हैं वो कलाकारों का अपमान कर रहे हैं एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतने बड़े पद पे व्यक्ति जो भी है और उसको ऐसी भाषा का प्रयोग करना बिल्कुल ही पता नहीं पूरे वर्ल्ड में कितनी बेजती हो रही होगी लेकिन अगर हम खुद चार ढोल वाले को ले जाएं और वहां पे जाके नचवाए और फिर दिखाने लग जाए मीडिया यहाँ पे क्योंकि मीडिया को तो अगर हम कहा ना आजकल पैसे में पहले होता क्या था कि खोजी पत्रकारिता होती थी वो लोग खोज करके लाते थे कि टू जी हुआ ये हुआ वो हुआ अब तो ऐसा है ही नहीं एक बार अगर प्रश्न ये पूछ दिया जाता है कि अब कि आय की असमानता क्यों बढ़ गई है गरीब और क्यों गरीब हो गए हैं तो जवाब यह आता है कि क्या मैं अमीरों को भी गरीब कर दूं इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए था यानी कि गरीब और गरीब हो जाए ये चलेगा क्या नहीं चलेगा तो पत्रकारों का काम होता है वो पूरी अपनी कौम की पूरी पत्रकारिता जगत की वो बेजती करा रहे हैं और मुझे बड़े पहले बचपन बचपन में बड़ा मजा आता था जब छोटे से थे और उस पे टीवी पे आता था बादल करकती थी और कहते थे आज तक तेज है ना उससे तेज है ना तो लगता था कि हाँ मीडिया कैसे तेज है और ये है और आज मैं जवाहरलाल नेहरू जी का कोट मुझे याद आता है जो ये कहते थे कि मुझे ऐसा मीडिया ऐसी मीडिया चाहिए जो मुझसे प्रश्न कर सके तो आज हम किस दौर में आ गए हैं कि मीडिया प्रश्न नहीं करे करे तो इंटरव्यू ले है ना ऐसे ले जैसे कि खुद स्क्रिप्टेड प्रश्न दे रखे हो वही जवाब मिल रहे हैं तो इन सब कारणों से यही सब चीजों को रखते हुए मैंने अपनी ये पोएम लिखी है ऐसा नहीं है कि आलोचनात्मक ध्वनि है इसकी और व्यंग्यात्मक शैली है और मैंने तुकबंदी में पूरी स्टोरी को कैसे कैसे सरकार ये नहीं है कि सरकार बनाने वाले जो लोग होते हैं वह कैसे आते हैं सरकार में वो सब चीजों को पिक्चराइज किया है बेशक आप इसको थोड़ी सी इस नजर से देखें किसी पार्टी और दलगत स्थिति से जोड़कर ना देखें तो आपको समझ में आएगा कि बंदर के पात्र सत्ता परिवर्तन के साथ बल, बदलते रहेंगे अभी तो ऐसा लग रहा है कि बंदर ये होगा गेंडा ये होगा रीछ ये है भालू ये है लेकिन हो सकता है वक्त के साथ चीजें बदल जाए अभी जैसे कहा ना कि मैं थोड़ा मैंने कहा कि मेरी ये भूमिका बनती है मेरी ये मतलब मेरा मेरे ये कर्तव्य बनता है कि मैं इन चीजों की आवाज को बुलंद करूं बोलूं क्यों क्योंकि सत्ता पक्ष से सवाल करना हमेशा बुद्धिजीवी वर्ग का काम रहा है है ना कोई दिक्कत नहीं है इस चीजों को समझने की बात होती है कि जो सत्ता है उसे हम प्रश्न करते हैं अब ऐसे में अगर बाई देवे कोई क्वेश्चन ही नहीं किया जाएगा अगर आज एक नारा ही जैसे मैं एक मौजूदा इलेक्शन के दौर में अगर कुछ बात कहूं अपनी कि आ, 400 चार सौ पार चार सौ पार का नारा दे दिया जाता है या ये वो तो ये सब साइकोलॉजिकल है हम लोग जो एजुकेटेड जो लोग हैं और खासकर जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी है वो समझ पाते हैं कि ऐसी एक माइंड तैयार कर दो कि दूसरे लोग डिप्रेस हो जाए और वो वोट ही डालने ना जाए है ना कह दिया जाए या का भी प्रश्न उठा देना ताकि ऐसा सब चीजों को समझकर कर उस पर काम करने की जरूरत होती है ना और बार बार जैसे कि विपक्ष को लताड़ना या कुछ करना ये सब गलत चीजें हैं जो कि हमारे देश में आजकल ये देखने को मिला है पहले ऐसा नहीं था कल मैंने जहां तक इस पोएम किया था हालांकि इस माइक में थोड़ी दिक्कत आ गई थी तो आज मैं वहां से ही चालू करता हूँ कोशिश कर रहा हूँ मैंने तो कहा ना मैंने तो पोएम लगभग डेढ़ सौ दो सौ पेज की कविता जब मुझे खाली टाइम मिलता है मैं लिख लेता हूँ किसी पार्टी से जोड़कर ना देखे मैंने तो बस इनडायरेक्टली अपनी बात को जैसे काव्यात्मक शैली होती है वैसे करने की कोशिश की है तुकबंदी भी है है ना तो बाकी जो है कि बंदर जैसे हमने कल देखा था कि बंदर ने शुरुआत की थी जंगल के लोगों को जगाया था बड़ी बड़ी बातें की और उसके बाद जैसे बब्बर शेर से वो लड़ना चाहा तो वहां पे उसकी मारपिटाई की गई जैसे आंदोलनकारियों के साथ अक्सर होता है और उसको घर भेज दिया गया अब बंदर ने दोबारा से अपने दिन को याद किया किसके साथ मदारी के दिन के को तो मदारी के साथ जब वो रहता था मदारी भी एक इसमें आप उनके पॉलिटिकल देखेंगे तो कोई कैरेक्टर ही है ये सब आपको पहचानने की कोशिश करनी है और उसके साथ के दिन को याद किया मदारी ने उसको फिर कहा कि ठीक है तो वहां से हम अब चालू कर रहे हैं कि मदारी से अब बंदर जो है मदारी की महत्वाकांक्षा को जगाता है और कहता है कि बंदर जैसे सेवक के रहते मदारी को छोटी सत्ता की क्या दरकार जिसकी सत्ता का कायल अखंड जंगल हो वहां मदारी की क्यों ना हो सरकार मैंने जैसा कि बताया कि मदारी मंत्री बन चुका है लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बन पाया वो क्योंकि उसके किसी अग्रज को पद मिला है तो इस तरीके से अब बंदर क्योंकि मदारी का साथी है मदारी के लिए ही काम करता है बंदर तो वो बंदर अब मदारी की भूमिका को थोड़ा सा उसको कर रहा है। फिर कहता है बंदर ने महत्वाकांक्षा का बीज था बोया बिन मौसम भी फल आने की थी दरकार छोटे जंगल की सत्ता थी सपने से ओझल अखंड जंगल में बनती थी सरकार मैंने कहा ना ये बहुत ही साइकोलॉजिकल लाइन है कि महत्वाकांक्षा की जब बीज बो दी जाती है तो किसी समय भी फल आने की संभावना बनी रहती है है ना तो वो चीजें हैं कई चीजें वैल्यूज भी कई जगह पुट करने की कोशिश की है मदारी का अनुभव था बहुत ही कड़वा पर बंदर के लिए बना वरदान बना मदारी से संरक्षण पाकर छोटे जंगल की वर्षान बना अब यहाँ एक छोटा जंगल भी है कहने का मतलब एक बहुत अखंड जंगल है अखंड जंगल में छोटे छोटे कई जंगल हैं हर जंगल में अलग अलग वहां के राजा हैं वहां के प्रधानमंत्री है कहीं के मुख्यमंत्री हैं कहीं के कुछ है तो ये सब चीजें चल रही हैं बंदर व रीछ थे मदारी की ताकत मदारी ने बच्चों जैसा इन्हें प्यार दिया मदारी को छोटे जंगल की सत्ता सौंपी तो रीछ को अच्छा सा व्यापार दिया है ना अब रीछ को जैसे उस छोटे से जंगल में कुछ व्यापार मिल गया दोनों ही किसके थे मदारी के चेले थे और उनको काम मिला हुआ है अब अगला अध्याय हमारा चालू होता है बंदर ने सत्ता पाते ही जंगल मॉडल का गुब्बारा छोड़ा मदारी की छत्र छाया में रहकर जड़ जमीन अंबर धरा सब कुछ निचोड़ा अब यहाँ पे था तो मदारी की छत्र छाया में ही जैसे कहते ना कि राजनीति में कोई ना कोई बड़े आका होते हैं उसके नाम पे हम छोटे जो भी लोग होते हैं वहां पे वो कुछ ना कुछ ऐसा गलत कर रहे होते हैं तो वही बंदर ने काम चालू किया है आदर्श जंगल मॉडल का गुब्बारा छोड़ा ये सब काम कर रहा है सत्ता वा या वो व्यापार का साथ बना अब दोनों ने मिलकर अच्छा काम किया विरोध में खड़ा जब कोई दिखता मिलकर उसका काम तमाम किया अब यहाँ पे रीच और बंदर मिलकर पूरे अपने छोटे जंगल में व्यापार और चीजों में मैनुपुलेशन करके अपनी आर्थिक शक्ति को बढ़ा रहे हैं क्योंकि जरूरी होता है कई बार सत्ता पाने के लिए अर्थव्यवस्था उसकी आर्थिक शक्ति मजबूत हो जाए जैसा कि अभी हाल में आप देखेंगे कि किसी पार्टी ने हजारों जो है पार्टी के कार्यालय खोल दिए हजारों पार्टी के जो है कार्यालय खोलने के बाद उन्होंने वहां बिल्डिंगें बना दी अब कितने पैसे कहाँ से आए होंगे आप सोचिए कि पौष एरिया में पचास पचास सौ सौ करोड़ की प्रॉपर्टी होती है और वो पैसे कहाँ से आए वो तो किसी इलेक्टोरल बॉन्ड में नहीं नजर आ रहा फिर भी अगर मीडिया नहीं दिखा रहा तो क्या बुद्धिजीवी वर्ग ऐसा थोड़ी ना कि समझ नहीं पा रहा है कि वो पैसे उसमें कुछ पार्टियां दिखती हैं कि अगर कोई हम वैक्सीन लगा रहे हैं और वैक्सीन के नाम पे भी अगर चंदा लिया जा रहा है तो निश्चित तौर पे बहुत बड़े बड़े चीजों में उन्होंने चंदा की जगह सेवाएं दी है यानी कि उन्होंने कहा कि ठीक है मैं इतने जो है आपको प्लॉट खरीद के दे, दे देता हूं मैं इतनी जगह आपको ये दे, दे, दे देता हूँ तो ये इन चीजों की जाँच होगी जब तो पता चलेगा क्योंकि लोकतंत्र में बहुत जरूरी है कि पार्टियां कोई अपना व्यवसाय नहीं है मुझे इस बात का बड़ा खेद है कि प्रधानमंत्री संसद में कह देते हैं कि सरकार सरकार का काम जो है 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 व्यापार व्यापार करना नहीं अगर सरकार व्यापार नहीं अगर करेगी तो भारत क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसे दुनिया आज अपनाने लग रही है तो हम कैसी बातें करने लग गए ये यानी कि हम सारा व्यापार जो देश में ए, 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 इतनी सारी चीजें सत्तर साल में अगर उन्होंने कमाया और इतनी सारी संपत्ति हम उन सब चीजों को कौड़ियों के दाम अपने मित्रों को देने लग जाए तो फिर वहां पे क्या उन्होंने जब रोजगार दिया है तो क्या उन्होंने सिक्योरिटी दी है क्या अगर मैं इंडियन एयरलाइंस की बात करूं कि इंडियन एयरलाइंस में अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा था तो यूं अपने आप को गर्व से कि हम एक सरकारी सेवा दे रहे हैं है ना उसको सरकारी सुविधाएं प्राप्त थी लेकिन वही इंडियन एयरलाइंस में जब प्राइवेट हो जाएगा तो कर रहे हैं तो उसको मिल रहा है क्या मुद्रन पोर्ट पे जितने लोग काम कर रहे हैं उनको आज सरकारी सुविधाएं मिल रही है क्या एक अदानी जो वर्ल्ड का तीसरा चौथा जो सबसे मेरे बड़ा धनी व्यक्ति है और उसके पास काम करने वालों की मात्र छब्बीस हजार व्यक्ति हैं इसका मतलब क्या है इनपे हम प्रश्न क्यों नहीं अगर उनके काम को अगर उनको मैं एक तरीके से देखूं कि सरकारी कर दिया जाए उनकी प्रॉपर्टी को तो मुझे लगता है कि वहां पे कम से कम पांच लाख से ऊपर लोगों को रोजगार मिल जाएगा लेकिन नहीं क्यों नहीं हो रहा क्योंकि हम वहाँ सब चीज कॉन्ट्रैक्ट पे कर रहे हैं और जब कोरोना आया था तो जो ये लोग रोजगार की बात करते हैं क्या क्या हमने उनसे किसी से पूछा कि उनके घर का रोजी रोटी उनके घर की जो चीजें कैसे चल रही है ना रेलवे में काम करने वाले इतने जो बच्चे थे जो लोग जो काम कर रहे थे सफाई का ये है वो है उन सबको घर बैठा दिया गया तो किसी ने उनसे पूछा क्या कि उनके घर का चूल्हा कैसे जलता होगा तो ये सभी चीजें कहते कि एक विषय है इस पे सोचने का कि हम कहने को कह देते हैं कि प्रॉफिट कमाने के लिए सरकार नहीं है कॉरपोरेट है तो कॉरपोरेट तो प्रॉफिट कमाएंगे तो देंगे थोड़ी ना वो तो अपने सौ रुपए कमाते हैं तो एक रुपए जनता के बीच में आता है तो जन कल्याण कहाँ से होगा जन कल्याण के लिए जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों संस्थाएं काम करती हैं मैंने जब पढ़ाई की थी इकोनॉमिक्स की भी मैंने पढ़ाई की तो उसमें क्या है कि अगर एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट बड़ा होने लग जाता है तो हम उसके पैरल कोई दूसरे कॉरपोरेट को, को सब्सिडी देकर आगे बढ़ा देते हैं ताकि क्या होता है कि दोनों ही कॉरपोरेट आगे बढ़ने से कॉम्पिटिशन बढ़े और कॉम्पिटिशन होने से क्या हो जाएगा कि काम जो है अच्छा हो जाएगा रेट कम होंगे महंगाई कम होगी आज क्या है ये लोग ओलिगोपोली कहते हैं हम इसको हिंदी में अल्पाधिकार कहते हैं कार्टेल बना लेते हैं कार्टेल बनाकर और आपस में महंगाई बढ़ाने लग जाते हैं जैसे कि अभी सेब के बगान है सारे धीरे धीरे जब भी रेट आया किसानों का फल आया तो हमने खरीद लिया और उसके बाद जैसे ही उनके फल सारे हमने खरीद लिए उसको स्टोरेज की और बाद में हम महंगा यानी कि सबसे अच्छा व्यापार है पचास रुपये में आप खुद देखिए कि टमाटर अभी किसान अपने सड़कों पर फे फेंक रहे थे और उसके बाद वो अस्सी रुपए में बिकने लग गया यानी कि उन्होंने पांच रुपए के भाव में उठाया और अस्सी में सोलह गुना ये क्या लूट है ये तो किसानों के पास हम कह रहे हैं आमदनी डबल हो जाएगी आमदनी डबल तो उनकी वैसे ही हो जाती अगर हम कुछ भी सरकार नहीं देती केवल ये चोरी बीच का रोक देती तो ये बीच की दलाली रोक देती तो लेकिन ऐसा क्यों नहीं है क्योंकि सरकार खुद ही उनके साथ मिलकर उनको उनके हेलीकॉप्टर में घूमना है उनको उनके साथ फंडिंग करनी है ताकि अपने आप के लिए पार्टी कार्यालय बनाने ये सब जनता सब समझती है मैं थोड़ा कटाक्ष जरूर कर रहा हूँ क्योंकि कई दिनों से मैं सोच रहा था और बीच में मैंने जंगल में चुनाव ये जो कविता लिखी है इन्हीं चीजों को व्यक्त करना हालांकि पब्लिश नहीं हुआ पब्लिश यू नहीं होता है क्योंकि ठीक है आप अगर सरकार के पक्ष में लिखेंगे तो आपको पब्लिसिटी मिलेगी आपको दस मीडिया कवरेज मिलेगा अगर आप कुछ अलग लिखेंगे तो लोग आपको कहेंगे क्या कर रहे हैं आप तो मतलब क्या है बड़ी ही अजीब व गरीब स्थिति है

आजादी पाने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं लेकिन गुलामी के लिए किसी का पांच वर्ष काफी है है ना अभी ये जरूरी नहीं है कि जिस पीएमएलए एक्ट के तहत इतने विपक्ष के जो नेता गिरे हैं कल को वो दूसरे विपक्ष में आ जाए और उनको जेल भेज दिया जाए और कहा जाए कि तुम अपनी ये चीज सिद्ध करके दिखाओ कि तुम्हारा इस कॉरपोरेट से कोई तालमेल नहीं था कैसे करेंगे जेल में सड़ेंगे देश का क्या होगा देश के कितनी इंसल्ट होगी इसमें कि एक देश का प्रधानमंत्री या एक देश का गृह मंत्री या राज्य मंत्री इसी चीजों में लिप्त था आने वाले वक्त में तो वो वो चीजें होती है ना वो आता इतिहास का पढ़ना लिखा जाता है तो इन्हीं चीजों को लेकर मैं बहुत सारी चीजों को जो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए मैंने पोएम को लिखा है इसको आप समझने की कोशिश करेंगे कि सत्ता व व्यापार का साथ बना दोनों ने मिलकर अच्छा काम किया विरोध में खड़ा जब कोई दिखता मिलकर उसका काम तमाम किया कुछ तो थे भाड़े के टट्टू चारा डालते ही साथ दिया अच्छे बुरे से क्या था लेना देना वक्त बेवक्त अपना हाथ दिया आजकल मौका प्रस्त दुनिया है जहां पे भी लोग कहते हैं कि चुनाव क्यों जीत जाते चुनाव जीतना तो बहुत आसान काम है है ना पैसा जिसके पास है पैसे से सब कुछ बिख रहा है आजकल है ना लोगों के पैसे बांटे जाते हैं दारू हमने क्या दुनिया में देखी नहीं हम आस में नहीं देखते क्या अभी मैंने चुनाव का भी तीन दिन पहले दिल्ली में चुनाव था और हुआ क्या वहां लोगों को यही नहीं पता कि कौन सी किस किस पार्टी के किसके साथ अलायंस है कोई उसमें झाड़ू ढूंढने लग रहे ऐसे बहुत सारे लोग आए इसका क्या मतलब है यानी कि उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो लोगों के लिए बीच बीच में जाकर रैलियां करते उतने बांट पाते यानी कि इतना ज्यादा कमजोर थे वो कि वो ये काम नहीं कर पाए जो मैंने अपना पर्सनली जो मुझे एक्सपीरियंस लगा या तो उनके अनुभव की कमी तो खैर मैं नहीं कहूंगा लेकिन हाँ ये जरूर है कि फंड की कमी मुझे नजर आई जो कि साफ साफ नजर आती है कि वो उस चीज को पूरा अच्छी तरह कैश नहीं कर पाए कुछ को दिया व्यापार का लालच तो कुछ को मिली थी पूरी मस्ती बंदर का कोई परिवार नहीं था संस्कार की कीमत हुई सबसे सस्ती भालू आया व्यापार की खातिर गेंडे को, गेंडे को थी सुरक्षा की दरकार कई जानवरों का साथ मिला था बढ़िया चलती रही सरकार अब देखिए बंदर ने अपना बंदर राज का मॉडल कैसे सेट किया है कि भालू को व्यापार के खातिर लिया गेंडे जैसे जो बाहुबली लोग होते हैं उनको इसलिए कि उनको सुरक्षा चाहिए तो उनको भी अपने साथ ले लिया रीस जैसे थे ही थे दो साथे दिमाग जो उनको दिमाग दे रहे थे व्यापार के लिए तो वक्त के साथ बंदर की ताकत बड़ी सभी विरोधियों का किया काम तमाम अपने गैंग को मजबूती देने के लिए नियम कानून पर भी लगाया लगाम है ना नियम कानून पर भी लगाया लगाम और इस तरीके से विरोधियों का धीरे धीरे काम तमाम किया गया एक अच्छा सा मॉडल तैयार किया कि देखो मैं अपने जंगल में जो मेरा एरिया है वहां कितना बढ़िया काम कर रहा हूँ बंदर ने अच्छी टीम बनाई भालू गेंडा रीच सब थे शामिल स्वार्थ की रस्सी से ऐसे बंधे हुए थे चाहे वो एक से बढ़कर एक थे काबिल है ना कहते हैं ना स्वार्थ की रस्सी सबसे मजबूत होती है जहां एक दूसरे के जुड़े रहते हैं हा में हाँ मिलाते हैं गेंडे में था दिमाग थोड़ा भालू का था भालू को थोड़ा भालू को था पैसे से प्यार रीच बेशक था इनमें सबसे शातिर पर वह बंदर का पुराना यार अब यहां समझने की चीज है कि गेंडे में दिमाग थोड़ा है ना जैसा कहा वैसे चल पड़ा भालू जो था वो उसको पैसे से लेना देना था जहां उसको ज्यादा सत्ता पैसा मिले वहीं उसने सत्ता का साथ दे दिया कभी उसके साथ खड़ा हो गया कभी उसके साथ खड़ा हो गया बस फायदा होना चाहिए तो कॉरपोरेट इस तरीके से देखा जाए वर्ल्ड के हर एक जगह की सरकारों को चलाती है भालू का व्यापार समझकर रीच को अक्सर समझाता था जैसे जैसे व्यापार का दायरा बढ़ता बंदर मिल बांट कर खाता था अब रीच के पास तो छोटे से व्यापार का हिस्सा था जबकि भालू बहुत बड़ा व्यापारी था तो बंदर क्या कर रहा था कि सत्ता में रहकर भालू से व्यापार के ट्रिप्स लेकर अब वो रीच को दे रहा था क्योंकि रीच उसका सबसे पुराना दोस्त था और उसको पता था कि काम तो यही आएगा बड़े चुनाव के लिए चाहिए बड़ा फंड बंदर को सब कुछ था एहसास भालू का था सबसे वास्ता इसलिए रीच के फंड से ही थी आस है ना भालू का तो सबसे वास्ता था चाहे बब्बर शेर हो चाहे कोई भी हो है ना दूसरी पार्टियां सबसे वास्ता था तो इसलिए रीच को वो क्या कर रहा था आर्थिक तरीके से मजबूत कर रहा था बंदर बहुत ही व्यवहार कुशल था अपने क्षेत्र में किया भरपूर विकास शक्तिशालियों को और भी ताकत सौंपी ताकतवर को ये सब आता है ना ताकतवर जो भी होते हैं उसको अगर और शक्ति सौंपी शौप, जाए तो वो तो साथ देंगे देंगे तो बंदर ने इसी तरीके से काम किया बंदर को भी मदारी बनना था पर लोकतंत्र में भी ये, ये केवल संभव था बब्बर शेर था जंगल का राजा जंगल राज में लोकतंत्र बनना असंभव था अब जंगल राज में लोकतंत्र असंभव था कहते हैं ना कि अगर लोकतंत्र है तो उसमें भी हम कई बार जंगल राज जैसे शब्द का इस्तेमाल करते क्यों करते हैं क्योंकि जंगल राज जैसी ही हालत है, है ना जहां मर्जी जब मर्जी जिसको जेल में डाल दो जब मर्जी जिसको जिसके साथ अत्याचार हो जाए अगर दो जो अभी कर्नाटका का जो कैंडिडेट है ना और वो भी जो देवे गौड़ा जी के पुत्र और जिसकी अलायंस बीजेपी के साथ थी और वो इतने रेपिस्ट के साथ होकर भी वो चुनाव लड़ रहा है उसके लिए वोट मांगे जा रहे हैं बड़े बड़े लोग वोट मांग रहे हैं और वो फिर देश छोड़कर चला जाता है है ना और फिर भी उसका मुद्दा मीडिया नहीं बना रही है तो शर्म की बात ये नहीं है कि वो ऐसा कर गया कर शर्म की बात बुद्धिजीवियों के लिए है कि हम इन चीजों पर बवाल नहीं मचा पा रहे हम इस पे आवाज नहीं उठा पा रहे है ना मैंने भी अगर इन पोएम को ऐसी चीजों को लिखा है तो इसके पीछे कारण है कि मेरे अंदर जो ये गुस्सा है उसको मैंने अपने कागजों में व्यक्त किया है बात यह है कि मीडिया कहाँ मरा हुआ है जो ऐसी चीजों पर बहस नहीं दिखा रहा वो अगर महंगाई पे बहस नहीं दिखा रहा चार सौ का सिलेंडर अगर 1200 का हो गया है उस पर बहस नहीं दिखा रहा तो इसका मतलब वो बिका हुआ है एक गरीब व्यक्ति जो कि अगर दस हजार पहले भी कमाता था आज भी दस हजार कमाता है अगर वो चार हजार रुपये किराया दे देता है हजार रुपए का सिलेंडर ले आता है महीने में है ना एक तो लगना ही है अब इसके बाद जो है वो खाएगा क्या फिर तो इस पर प्रश्न कौन उठेगा कौन उठाएगा मीडिया का काम है मीडिया नहीं उठाता इसका मतलब क्या है कि सब सरकार के साथ मिलकर काम करना है तो ठीक है पैसे वालों की चार लोगों की लेकिन ये वही बात है फिर वो कहते हैं नेक्सेलाइट वर्ड वर्ड यूज हो जाता है फिर वो जो है रूस की क्रांति वाली हालत हो जाती है तो ये सब चीजें प्रश्न है सोचने के लिए सब कुछ अच्छा भला चलता रहा पर पर बंदर को बड़ी सत्ता पाने का था था चढ़ा बुखार शेर शेर के क्षेत्र में प्रवेश कर जाता पर शेर था बहुत ही खूंखार हर बार वो बार बार उसकी अः क्या थी बंदर की लालसा की वो पूरे जंगल का मालिक बन जाए तो बार बार कोशिश करता था और बार बार पिटाई होती थी बैठ जाता था बंदर जब भी अपमानित होता अपने अतीत को करता याद बिन तैयारी के बिगुल थी छेड़ी अपमान की करता किसको फरियाद? अब बार-बार वो कोशिश तो कर रहा था, लेकिन तैयारी अभी भी उसकी पूरी नहीं हो रही थी यानी कि बंदर का भी संघर्ष दिखाया है कि वो सत्ता में आने के लिए वो क्या क्या पापड़ बेलता है सफलता की खुशबू मधुर लगती है कठिन राह के संघर्ष कहाँ दिख पाते हैं दुनिया सिर्फ सफलता देखती है असफलता के घाव कहीं छिप जाते हैं अब ये भी बहुत ही साइकोलॉजिकल चीजें है लिखी है कि हम ये सबके बच्चों के लिए भी बड़ी मोटिवेशनल लाइन है कि हम जो है ना सफलता तो देख लेते हैं हम गाड़ी बंगला सब चीज देख लेते हैं लेकिन उसके किस सफर से चढ़ के वहां तक वो पहुंचा है हम उस राह को अगर देख ले तो हम भी सफल व्यक्ति हो जाए लेकिन हम उस राह को नहीं देखते हैं इसलिए असफलता के दौरान जितनी असफलताएं आई है उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है केवल सपनों से कुछ हासिल नहीं होता उच्चतम चोटी को छूना आसान नहीं दिन और, रा, दिन और रात एक करना पड़ता है उनकी होती कभी कोई सुबह शाम नहीं ये सब मोटिवेशनल लाइनें हैं बीच बीच में बहुत ही अच्छी तरह से तुकबंदी करके मैंने कोशिश की है कि सफलता चाहने वालों के लिए सुबह शाम दिन और रात कुछ नहीं होती है असफलता के ऊपर प्रश्न बहुत थे सलाह व लेता आखिर किससे मदारी ही केवल जवाब के काबिल राजनीति बंदर ने सीखी थी जिससे अब राजनीति तो किससे सीखी मदारी से और मदारी ने उसको जंगल का सत्ता भी दे दिया अब लेकिन वो पूछे किससे है ना क्योंकि मदारी से तो आकर उसने सारी चीजें नहीं पूछी कि जंगल का अपने मॉडल कैसे तैयार करेगा मदारी ने जब नन्ही सी सत्ता सौंपी थी बंदर ने पाल पोस कर उसे बड़ा किया सभी विपक्षों की बोलती बंद की अपने एक छत्र साम्राज्य का ध्वज खड़ा किया समस्त साम्राज्य के सपने संजोए जहां बंदर की कोई औकात नहीं हर तरह की रणनीति अपनाई फिर भी कोई बनती बात नहीं आपस में ही दंगे करवाए पर बंदर का बना कोई जनाधार नहीं बब्बर शेर ने सख्ती और कर दी लोकतंत्र का जहां कोई आधार नहीं है ना यानी कि जैसे जैसे बंदर ने अपनी चीजों को मैनेज किया तो वैसे वैसे क्या हुआ कि लोकतंत्र की चीजें और मैनेज करने लग गए बब्बर शेर के पंजे बहुत बड़े थे उसे कोई बागी पसंद नहीं था दरबारियों ने भी उसे अक्सर तोड़ा उस अच्छे मौसम में भी आनंद नहीं था अब दरबारियों को भी बंद जंगल राज में बहुत कुछ हासिल हो रहा था उनको दिखा कि ये बंदर कहाँ से आ गया तो उन्होंने भी उस चीज को तोड़ा मैं जैसे कि अभी इस पोएम में आगे भी है लोकतंत्र वर्सेस राजतंत्र दोनों की अच्छाइयां और बुराइयां बताई गई है तो उस सब चीजों पे मैं आऊंगा क्योंकि पोएम तो देखो बड़ी है कहते हैं कि इतनी बड़ी पोएम क्यों है लेकिन एक्चुअली ये एक स्टोरी टाइप की पोएम है जो कि स्टोरी को पोएट्री फॉर्म में किया है अति महत्वाकांक्षा की होती यही कहानी कभी ना छोड़ते बगावत का मौका सत्तासीन अक्सर इनसे दूरी रखते चाहे कोई मारे चौके पे चौका अब ये बड़ी ही पॉलिटिकल चीजें हैं मैंने कहा ना कि मैं कई चीजों में पॉलिटिकल लोगों में हर जगह ऐसे मिलता जुलता रहता हूं ताकि मैं उनकी भावनाओं को समझ पाऊं तो ये जो अति महत्वाकांक्षी की होती यही कहानी कभी ना छोड़ते बगावत का मौका वो मगावत, बगावत का मौका छोड़ते ही इलेक्टोरल बॉन्ड के, के से काफी पैसे आए हुए हैं और कुछ तो जो पहले वाली जो चैनल थे कहते हैं ना कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड का पता कैसे चल गया पता तो ये सुप्रीम कोर्ट जैसे हमारे जो आज भी लोग हैं हमें हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में जैसे जज जिन्होंने इन चीजों का बिल्कुल खोला अदरवाइज नहीं तो देखा जाए तो सत्ता तो ये चाहती है कि ये सब पोल बाहर ही नहीं खुलती वो खुले तो पता चला कि इन चीजों को प्राइवेट किया गया है ना निकालना पड़ा सरकार को देना पड़ा एस को डेटा देना पड़ा लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुराने जो चैनल थे पार्टी फंडिंग के जिसमें कैश और रिसोर्सेस के नाम से जो पैसे दिए जाते थे अगर कोई पार्टी किसी की रैली का ही खर्चा उठा रही है तो तो इलेक्टोरल बॉन्ड में नहीं है तो चीजें तो आज भी चल रही है लेकिन उसके अलावा एक दूसरा चैनल जैसे ऑर्गेनाइज लूट हम इसको कह सकते हैं कि किसी को ईडी सीबीआई ने किडनैप कर लिया बदले में क्या हुआ इतने पैसे वहां तक पहुंचा दो इस पार्टी फंड में दे दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे तो ये तो क्या हुआ एक किडनैपिंग होगी लूट पार्ट का एक ऑर्गेनाइज धंधा बना दिया तो हम ऐसे में युवाओं को क्या शिक्षा दे रहे हैं तो गलत दे रहे हैं तो वही है महत्वाकांक्षी और व्यक्ति दे ही पार्टी छोड़ दे तो मेरे वोट के साथ अत्याचार है ये तो है ना मेरे जनादेश का ये अपमान है इस पे सुप्रीम कोर्ट को आने वाले वक्त में इस पे काम करना चाहिए देश को भी काम करने की जरूरत है मदारी ने दर दर की ठोकरें खाई थी मध्यम मार्ग अपनाने की थी सलाह हिंसा अहिंसा क्या मायने रखती जिस जिन्हें समस्त भूमंडल की रहती चाह मुसीबत में कोई साथ न देता सभी सुना देते अपने अपने राग बब्बर शेर से दुश्मनी का साहस किसमें बंदर की नीयत में भी दिखता था दाग है ना यानी कि बंदर की नीयत में दाग दिखता था मदारी अब क्या सलाह देता हिंसा हिंसा के खिलाफ था वो बंदर अपनी इच्छा शक्ति को ऐसे नहीं तोड़ सकता था पर राह दिखाता उसको कौन टूटे शिस्ते टूटे शीशे को कौन जोड़ सकता था बंदर अपनी इच्छा शक्ति को ऐसे नहीं तोड़ सकता था अभी भी उसको लगा कि नहीं मैं तो करूंगा मदारी ही केवल अपना था था जग में जिससे जिससे सुशोषित जिस सुशासित सरकार का वादा था। किस मुंह से उससे राय लेता अब बब्बर शेर से बगावत खुद का उसका इरादा था तो ये सब अब इसके बाद में नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें मैं बहुत ही अच्छी चीजें है मैं कोशिश कर रहा हूँ एक्चुअली टाइम लग जाता है लेकिन मैं पोएम को क्योंकि मैंने चाहा कि इसको सॉफ्ट कॉपी में यूट्यूब चैनल पे डाल दूं मकसद तो पहले था लेकिन आप भी समझ पा रहे होंगे कि जब मैं पब्लिश नहीं करा पाया तो जिस चीजों के लिए लिखा है उसको मैं डाल दूं तो अब दिल्ली में इलेक्शन भी खत्म हो चुका है इसलिए मैं फ्री माइंडेड होकर अपनी बातों को लिख पा रहा हूं उम्मीद है आपको ये बात पसंद आई होगी जो जंगल में चुनाव के साथ में जो नेरेटिव जो बता रहा हूं कि भारत में देखा जाए तो कम विकास नहीं किया है आज एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है हमने कुछ नहीं किया कुछ नहीं किया अगर कुछ नहीं किया तो इतने हजारों लाखों की ना हम 2011 में वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी बन चुके थे लेकिन उसके बाद फिर जो है 12-13 का जो माहौल ऐसा बना और फिर अर्थव्यवस्था में हम नीचे आए डॉलर देखिए आप छप्पन से आज तो पेट्रोलियम क्रूड ऑयल की कीमत 110 से थी, से थी। लेकिन जब क्रूड ऑयल की कीमत कम हो गई तो क्या इसका फायदा जनता को मिला कि नहीं मिला तो बहुत सारी चीजें हैं इन्हीं कारणों से मैंने ये पोयम कई सालों से लिख रहा था ऐसा नहीं है कि मैंने हाल में लिखा है कई सालों से लिखा पिछले 2019 के इलेक्शन से पहले भी

बीच में मैं फिर बिजी हो गया समय क्या अभाव रहता है काफी ज्यादा तो इस कारण से मैंने जो है ये पोएम कंप्लीट नहीं की पाई लेकिन उम्मीद है कि आपके फीडबैक मुझे अच्छे से मिलेंगे आप अच्छा कमेंट इसमें मुझे दे सकते हैं ताकि पब्लिश कराने से पहले मैं इसको और अच्छा बना सकूं इन्हीं उम्मीदों के साथ अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया चैनल की तरफ से मेरा मकसद ही है लोगों को अवेयर करना एजुकेट करना और इसको मैं अवेयरनेस वाले प्ले में डालता हूँ बच्चों से ये नहीं है कि बच्चे इसको देखें हाँ जो ट्वेल्थ पास बच्चे हैं वो सब इन वीडियोस को देखें समझें क्योंकि वो देश के युवा पीढ़ी हैं है ना और बाकी जनता से भी जो भी लोग हैं सभी जनता मैं भी तो जनता ही हूँ तो उम्मीद है कि आप इनको देखेंगे समझेंगे और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और अपने अच्छे फीडबैक मुझे देंगे ताकि मैं इस पोएम को और अच्छा करके अच्छी तरह पब्लिश कराऊँ थैंक यू